अस्सलाम वालेकुम। एडवांस टैक्स हकूमत की तरफ से फार्मेसीज पर लागू करदा टैक्स है जो इन्हें अद्वियात की खरीद पर इनवॉइस पर लागू होता है और मुतल्लिका सप्लायर को अदा करना होता है। अद्वियात की खरीद पर अदा किए गए एडवांस टैक्स का सर्टिफिकेट साल खत्म होने पर टैक्स रिटर्न के साथ जमा कराकर फार्मेसी ओनर्स एडवांस टैक्स की मद में अदा की गई सप्लायर्स को रकम हकूमत से क्लेम कर सकते हैं। टैक्स फाइलर फार्मेसी ओनर्स के लिए ये टैक्स 0.5% फी इनवॉइस और नॉन फाइलर्स के लिए 1% फी इनवॉइस है। कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम कैंडला सॉफ्टवेयर में GRN की स्क्रीन पर एडवांस टैक्स की ऑप्शन के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सप्लायर से खरीदा हुआ स्टॉक कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर में GRN की स्क्रीन के जरिए सिस्टम में दाखिल किया जाता है। इस स्क्रीन पर स्टॉक दाखिल करते हुए यहाँ पर एडवांस टैक्स परसेंटेज को दाखिल करने की ऑप्शन दी गई है। कैंडला की रिलीज 12.1.5.0 में एडवांस टैक्स को वैल्यू या परसेंटेज में दाखिल किया जा सकता है। सप्लायर से खरीदा हुआ जो भी सामान नीचे ग्रिड में लोड किया जाता है उसे सेव करने से पहले उस पर लागू होने वाले एडवांस टैक्स की मुतल्लिका परसेंटेज या वैल्यू दाखिल की जाती है। टैक्स दाखिल करने के बाद टैक्स वैल्यू सामने वैल्यू के सेक्शन में नजर आती है और नीचे टोटल अमाउंट के सेक्शन में आइटम्स की टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाती है। इसके बाद सेव का बटन दबाकर स्टॉक को सिस्टम में सेव कर लिया जाता है। एडवांस टैक्स को रिपोर्ट्स में F परचेज रिपोर्ट्स में जाकर F05 परचेज डिटेल रिपोर्ट में जाकर मुतल्लिका सिलेक्शन के मुताबिक देखा जा सकता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर में GRN की स्क्रीन पर एडवांस टैक्स की ऑप्शन के बारे में समझा। कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर की वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने का शुक्रिया।